ना आप लोग को डर नहीं लगता है ना क्रॉस होने के लिए? बिल्कुल नहीं ना, बहुत अच्छा। बिना तख्ता का ये सब खुल के, हाँ पार करके, वो बिना ये बिना तख्ता का भी आप लोग पार होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम फ्रॉम तूतिंग, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नियर चाइना बॉर्डर गाइस। एंड हम लोग तूतिंग में आए तो कल यहाँ पे दीदी के घर पे सोए और यहाँ पे दीदी के घर पे देखिए खुद गाले वगैरह बनाता है, आधी गाले। तो अभी वो जो है कुछ कलेक्शन वगैरह दिखाएगी तो वो आप लोग को दिखाता हूँ। ये रही दीदी गाइस, एंड दीदी जो है अभी हमें दिखाएगी आधी लोगों का जो ट्रेडिशनल माला वगैरह है ना, सब इंस्ट्रूमेंट ये देख सकते है गाइस। वाओ, क्या क्या है दीदी ये सब? ये जो है ना यहाँ ये जो रहता है ये बस्ती का। अच्छा, ये बस्ती का ना ट्रेडिशन, मतलब जहाँ पे हम लोग गेकू में था उसका और यहाँ का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है ना। और भाषा भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, और ये गेकू का जो पहनने लगा, हाँ क्या क्या नाम है ये? सुमदी। और ये भी, ये मेलुट। मेलुट ये कमर में पहनता है, कमर में पहनता है। और ये भी बेल्ट है। अच्छा, ये भी बेल्ट है। ये जो हम पहले रहता था गेकू का है, गेकू का है। और ये यहाँ का है। अच्छा, और ये माला सब, ये माला जो है यहाँ का है ना, यहाँ का है। अच्छा, और ये माला को क्या बोलता है? केसांग। केसांग। अच्छा, ये लड़का पहनता है ना, लड़की लड़की पहनता है। अच्छा, ये ना, ये गेकू का, बिकॉज दीदी गेकू का है, गेकू से जो है तूतिंग में शादी हुआ है तो दोनों कल्चर का जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह है वो, मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह है दीदी के पास है ना। अच्छा, ये भी गेकू का लग रहा है। ये गेकू का। और यहाँ का ये लड़का लोग का अलग होता है ना। अच्छा, ऐसा होता है जिसमें नीचे में जो ये फ्लावर देख रहे हो ना गाइस, ये नहीं होता है ना तूतिंग वाले में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सिमिलर भी है बस और ड्रेसिंग में भी ना। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोस्तों, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे ना दीदी। दीदी भी जाएगी साथ में, और यहाँ पे पम्पम कुरी अभी तक आई नहीं, कुरी फ्रेश होने गई है, उसके बाद सभी लोग जाएंगे सबसे पहले एडीसी ऑफिस। अभी हम पूरा गियर अप हो चुके हैं गाइस, अभी तूतिंग को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे जो है 10 बजे के बाद ही धूप निकला है, देखिए गाइस, इससे पहले पूरा धूप ही नहीं था। तो गांव जो है पूरा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एंड यहाँ पे कुरी सिस्टर भी रेडी हो रही है, और यहाँ पे भी देखिए पूरा पहाड़ है, इससे पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड वो रॉकेट है, रॉकेट वो पहले और सुंदर है ना, चाइना ने अटैक कर दिया सोचा, इसलिए उई कर रहा था हम लोग का कुरी सिस्टर। तो एक्चुअली जो है इन पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद उधर में एक और विलेज है गाइस, तो उधर में है चाइना, उधर है ना चाइना, ये पहाड़ को क्रॉस करने के बाद चाइना है। अच्छा, तो अभी हम लोग का साथ दीदी भी जाएगी, एंड हम लोग जाएंगे ना, और मेरा सिस्टर आज क्या ही सुंदर लगा, आज तो पूरा तूतिंग का लड़का लो फिदा फ्लैट फ्लैट। अभी हम जा रहे हैं तूतिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, सबसे पहले हम लोग जाएंगे एडीसी ऑफिस, तो एडीसी से परमिशन लेने का कोशिश करेंगे चाइना बॉर्डर, पूरा एक्सट्रीम बॉर्डर पे जाने के लिए। अगर परमिशन मिलता है तो हम आप लोग को दिखाएंगे, वरना नहीं दिखा पाएंगे, है ना। आ रहा है ना, वाओ, वो देखो ओबम तांगू का बोट पर, ओबम तांगू गाइस, थोड़ा जूम इन करो तो, बोट पर ओबम तांगू गाइस, देखिए सोनी लीप ऐप डाउनलोड करके आप लोग को बोट करना है तूतिंग, उसका गाँव हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। इतना मजा ना, पूरा पहाड़ का सीन, पहाड़ों को क्रॉस करते हमें मिलेगा चाइना। अच्छा, इधर जाना है अभी एडीसी ऑफिस जाना है पहले। वेलकम टू तूतिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तूतिंग ब्रांच। चलो, तो हम जो है एडीसी ऑफिस में सबसे पहले आए हैं गाइस टू गेट द परमिशन टू चाइना बॉर्डर ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे, मिलता है तो बहुत अच्छा बात होगा, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को जो है पूरा तूतिंग एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह मतलब लिख लिया है, तो अभी जाएंगे हम लोग एडीसी ऑफिस में, वहाँ पर सबमिट करके देखते हैं अभी होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो भैया मिले इतने अच्छे हैं, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने बोला है ओबम के गाँव का है तो ओबम को प्रमोट करो, तो हमें पैसे नहीं चाहिए। तो प्लीज़ बहुत ओबम गाइस, ओबम तांगू अपना अरुणाचल का भाई है, एंड यहाँ पे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में रहते, इतना तकलीफ से वहाँ स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचा है, तो प्लीज उसको बोध करके जिता देना इंडियन आइडल में, है ना। तो अभी हम लोगों ने सिग्नेचर वगैरह कर लिया है, तो अभी जाते हैं हम लोग सीधा एडीसी ऑफिस में। अभी जो है हम परमिशन लेने के लिए जो फॉर्म वगैरह होते हैं सब हमने सबमिट कर दिया है गाइस, एंड अभी परमिशन के लिए जो है हमें ग्रांट किया जा रहा है यहाँ से, एटलीस्ट एडीसी ऑफिस से तो हमें मिल चुका है, बस अभी जो हाथ में है वह इंडियन आर्मी एंड ITPP का हाथ में है। अभी वो लोग अगर परमिशन देंगे तो ही हमें जाने को मिलेगा गाइस। एंड तूतिंग में आने से पहले आप किसी से जान पहचान कर लो, तूतिंग में आप कॉन्टेक्ट करो, बिकॉज अगर कोई लोकल वाला होता है तो थोड़ा परमिशन
मिलना आसानी होती है विदाउट जो है लोकल का थोड़ा सा ये लोग दिक्कत करेंगे। एंड आप अगर यूट्यूबर हो तो बिल्कुल भी यूट्यूबर है बोल के मत लिखना एप्लीकेशन में, बिकॉज वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप बस टूरिस्ट बोल के लिखना। तो हमने जो है यूट्यूबर लिखा था तो अच्छा हुआ सर अच्छे हैं, तो उन्होंने बताया कि यूट्यूबर मत लिखो वरना अलाउड नहीं करेंगे ना, बिकॉज फोटोग्राफी बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, बहुत मतलब थोड़ा गर्म माहौल है ना वहाँ पे LIC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो लेट्स सी अगर जाने मिलता है तो बहुत अच्छा बात होगा। फाइनली गाइस हमें जो है LIC यानी कि चाइना बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जाने का जो है परमिशन मिल चुका है यहाँ ADC ऑफिस से। तो अभी जो है दो और हमें अथॉरिटीज लोगों को परमिशन देना पड़ेगा, एक हो गया हम लोग का जो BSF लोग एंड देन ITPP लोग, तो वो लोगों से परमिशन जैसे ही मिलता है हम लोग सीधा जाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, भाई मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग का ऑर्डर आ चुका है गाइस, दिस इज द टूटिंग का क्या कहते हैं टुकपा ना, तो यहाँ पे बहुत फेमस है गाइस चिकन टुकपा एंड दिस इज क्या नाम था इसका चोमेन चोमेन, दिस इज नॉट चाउमीन गाइस, ये मिर्च का चटनी है चोमेन। एंड टूटिंग इज वेरी फेमस फॉर डोस मतलब जो चाइनीज टाइप्स ऑफ फूड जस्ट लाइक नूडल्स मोमोज एंड लाइक दैट। एंड हम लोग जाने से पहले दीदी का घर में एक बार हम जरूर से मोमो टेस्ट करेंगे, है ना दीदी? और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सॉस वगैरह भी आ चुके हैं, तो अभी खाते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा हैंगिंग ब्रिज गरम। सो गाइस अभी हम तुतिंग में पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, दिस इज यहाँ का ट्रेडिशनल तुकपा। सो चीयर्स। टेस्टिंग कर रहे हैं टेस्टिंग। वाओ सच में बहुत टेस्टी है यार। तो हमने जो है तुकपा वगैरह भी खा लिया गाइस एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज, क्या जगह का नाम क्या था? जीदो। जीदो अच्छा हम लोग जा रहे हैं जीदो गाइस, दिस इज तुतिंग। हमारे इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट है ओम टांगो जी हमारा ब्रदर, हाँ क्या मेन मार्केट ये है ना, अच्छा तो उनके गाँव का जो है ये मेन मार्केट है गाइस एक्सट्रीम चाइना बॉर्डर पर। और जैसे ही आप उन पहाड़ों को क्रॉस करोगे ना हाँ। तो आप सीधा पहुंच जाएंगे चाइना गाइस। यहाँ पे देखिए हमें दिख गया मोई देरे, मोए मोए वाला याद आ गया गाइस। एंड इधर में है तुतिंग का एयरपोर्ट गाइस, इनफैक्ट अगर आप जो है कभी इन केस जो है आपको तुतिंग आना चाहते हो और तकलीफ नहीं उठाना चाहते हो तो आप फ्लाइट पकड़ के आ सकते हो, बट अगर फ्लाइट में आओगे ना आपको उतना मजा नहीं आएगा जो मजा रोड पे आने में है ना, वो मजा आपको कहीं में नहीं मिलेगा फ्लाइट में। तो आप जो है फ्लाइट में भी आ सकते हो, वो आपका ऊपर में आपका मर्जी है, कुछ 1600 रुपये लगते बोला है ना, 1600 पासीघाट से आपको लगेंगे बस। तो अभी हम आगे जाते हैं और सीधा मिलते हैं अभी हैंगिंग ब्रिज पे। फाइनली दोस्तों इतने दिनों के बाद इतने सालों की मेहनत के बाद मैं अभी पहुंच चुका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन तुतिंग का जो हैंगिंग ब्रिज है वहां पे। ये मेरा सपना था गाइस यहां पे आना, देख सकते हैं यहां पे जो है हमारे जो नोमैडिक इंडियन भैया है हमारे दीपांशु भैया, तो वो आए थे तब से मुझे जो है यहाँ पे आना था। ओ माय गॉड पूरा हिलता है यार, देखो ना वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, डर लग रहा है वो इतना हिल रहा है ना, बहुत लंबा है यार पूरा जो सियांग रिवर है गाइस उसको क्रॉस देखिए बहुत इतना मजा है। तो अभी हम जाएंगे और इसमें जो मेन थिंग है ना गाइस ये लकड़ी का है, नीचे में जो है लोहा है तो ऊपर में लकड़ी है, ये देख के थोड़ा सा डर तो लगता है। हाय और ये डॉगी लोग ये लोग भी देखो बिना डरे ऐसे ही आ रहा है। ओ चलो अभी हम सीधा उस पार चलते हैं ना, वो हो नहीं होगा। ओए प्लीज हमको वीडियो बनाओ ना, कोई प्लीज हमको कोई वीडियो बनाओ। ओए मत हिलाओ, ओए कौन हिला रहा है, वो दौड़ के आ रहा है कोई, ओए कौन हिला रहा है, ओ उधर से कोई दौड़ के आ रहा है इसलिए हिल रहेगा, वहां से वो रेड वाला पूरा इंसान दौड़ दौड़ के आ रहा है गाइस। ओ माय गॉड इसलिए तो इतना हिल रहे है, सिर्फ दूसरा लोग सकता है क्या, हम नहीं सकेगा क्या, हम नहीं सकेगा क्या, हम नहीं सकेगा क्या, क्या डरता है वो लोग डर रहे। ओ भाई साहब बस गाइस नीचे नहीं देखना है, आप लोग याद रखना है नीचे देखोगे तो भाई बहुत चक्कर देगा। एंड ये जो है जंगल का प्रोडक्ट है गाइस, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये बेत जो हम लोग बाजार से खरीद के खाते हैं ना, जो एक सब्जी होता है गाइस बम्बू में बड़ा धंधा वाला, तो ये वही वाला है। तो ये जो है पूरा एकदम मैच्योर होने का बहुत तगड़ा बन जाता है, तो इसी से जो है इसे बनाया गया है। एंड ये वाला जो भाई है ना बिना डरे इतना भाई कूल होके आ रहा है, इधर में पूरा सियांग रिवर गाइस। एंड ये पार होते हम लोग को गेदो विलेज ना क्या विलेज है,
वो मिल जाता है। बाप रे, थोड़ा जाते हैं हम बीच में। आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस गाइस, तो मुझे ये क्रॉस करना है। बाप रे, भाई साहब ये पूरा दौड़ दौड़ के आ रहा है, मैं तो सीधा क्रॉस हो जाऊं। ओए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नीचे नहीं देखना है, बस कैमरा में देखते हुए जाऊंगा। तो मनोज कुरी दीदी वो लोग जो है पूरा डर रहे हैं, बट लाइफ में कुछ डेयरिंग करना था मुझे, तो आज मौका मिला है तो मैं जाऊंगा पूरा क्रॉस होके। थोड़ा दिल में धक धक हो रहा है गाइस। ओए आ जाओ, आओ आओ, ये लोग डर रहे गाइस, डर रहे। तो मैं जाऊंगा, बस ऊपर वाला साथ दे, मेरा जो है फोन ना गिर जाए ना, बिकॉज फोन ही मेरा लाइफ है। दुनिया में जिंदगी में कितने पाप किए सब याद आ रहा है अभी मुझे, तो प्लीज उन पापों का सजा नहीं मिलना है मुझे, इतना डर लग रहा है ना। अभी मेरे फेस पे आप देख सकते हो, थोड़ा मैं थोड़ा हीरो बनने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं डरने का कोशिश। एक्चुअल ना गाइस, इसमें जो ये लोहा होने से कोई डर नहीं लगता, बट दिस इज मेड ऑफ वुड गाइस, तो बहुत डर लग रहा है। तो मैं नदी पे नहीं देखूंगा, अया डर लग रहा है गाइस, डर लग रहा है। हाँ बहुत बर बर कर रहा हूँ। नीचे नहीं देखना है रूपम, नीचे नहीं देखना है, सीधा कैमरा में देखते हुए जाना है, नीचे नहीं देखना है। कोई भी प्लीज नीचे में मत देखो, नीचे में मत देखो, नीचे नहीं देखना है। अरे बाप रे, यहाँ पे तूता हुआ भी है गाइस, ये देखिए ये तूता हुआ भी है। अरे बाप रे, ऊपर वाला अपने साथ है। पम पम, आ जाओ आ जाओ, बच्चा को देखिए ना गाइस, ये देखिए बच्चा कैसे आ रहा है, ये पूरा कूल बन के आ रहा था, कोई पीछे से दौड़ दौड़ के आया तो हिलने लगा, उस कारण ये भी डर गया। अरे कॉल आया मुझे, पता नहीं कौन है। आपको डर नहीं लगता भैया? बाप रे, आप यही के हो? अरे इतना दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, देखो बिल्कुल नहीं डरता है। और ये बच्चा भी स्कूल से आ रहा है। हेलो हेलो दीदी, हिंदी आता है? नहीं आता है, अच्छा स्कूल से आ रहा है। अच्छा ये देखिए गाइस, स्कूल से आ रहा है, ठीक है जाइए। बहुत डर नहीं लगता आप लोग को? हिंदी हिंदी थोड़ा नहीं आता है दीदी लोग को। बाप रे, अभी नहीं लग रहा है, बस नीचे नहीं देखना है ना। हाँ नीचे नहीं देखना है। हाँ चलो सीधा क्रॉस होते हैं ना हम लोग, चलो हम लोग सीधा क्रॉस होंगे गाइस। ये थोड़ा डर, वो बच्चा डर, चलो हम लोग आगे जाएगा ना। हाँ अंकल का सामान, हाँ वेट, वाह संतरा लेके जा रहे हैं गाइस, देखिए। फाइनली गाइस, फाइनली, माय गॉड मजा ही आ गया। मागो तुरु लॉप यार, मजा आ गया, लेकिन लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया। तो थोड़ा सा नीचे से हम व्यू देखते हैं, नीचे से तो और भी मजा होगा। वाह आ गया ना दीदी, आ जाओ। ओ आप तो इतना सारा बैग लेके आया है, वहाँ वहाँ पे बैठिए, हम थोड़ा सा इधर से नज़ारा देखते हैं, क्या ही व्यू है यार। ये पम्पम लोग तो नहीं आ रहा, डर रहा है लोग। ओ माई गॉड, कहाँ से हो भाई? हाँ आसाम से, कब आए इधर? दस दिन पहले कुछ काम से आया ना, घूमने काम से भी आया, घूमने भी आया है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है घूमो फिरो, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है ब्रिज गाइस, गेदो। वाह पम्पम लोग नहीं आया यार, डर रहा है वो लोग। पम्पम लोग को देखिए गाइस, वो देखो वहां पे आ रहे हैं। ओ पम्पम डर रहे, डर रहे। बाप रे, यहाँ पे कुछ आंटी लोग देखो इतना सामान लेके आ रहे हैं, थक गया मैं तो, वहां से दौड़ दौड़ के आया आंटी लोग को देख के। अया बाप रे, कुरी उसका पीछे, ओ कुरी नहीं है क्या वो? कुरी नहीं है,
वो तो ओमेन है, कुरी तो पूरा लास्ट तक। ओ पम पम आ जाओ आ जाओ। आंटी कैसे हो, आप कहाँ से हो? जीदो का है। जीदो का है, अभी कहाँ से आ रहे हो? तूतिंग से। अच्छा अंकल आप भी जीदो से हो? अच्छा अरे पूरा हैंडसम बन के आ रहे हैं देखो अंकल। जवान हो गया ना आप यही जीदो से? अच्छा अच्छा कैसा लगता है आप लोग को यहाँ में रह के? अच्छा हाँ ठीक है ना, आप लोग को डर नहीं लगता है ना क्रॉस होने के लिए? बिल्कुल नहीं ना, बहुत अच्छा। बिना तख्ता का ये सब खुल के हाँ पार करके वो बिना ये बिना तख्ता का भी आप लोग पार होता है? अच्छा बहुत बढ़िया बात है, ठीक है थैंक यू अंकल। गाइस मैं हूँ इस वक्त तूतिंग में एंड ये जो है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, लास्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम चाइना तिब्बत बॉर्डर पे है, जिसे जो है तिब्बत बॉर्डर भी कहा जाता है, चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है, बिकॉज तिब्बत को जो है चाइना ने इन्वेट किया था, तो वो सब छोरो हिस्ट्री में आप लोग देख लेना, तो सिंपली हम चाइना बॉर्डर कहते हैं। तो ये लास्ट विलेज है, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे आने से। तो सबसे जो यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है हर किसी यूट्यूबर का, मैंने हर टूरिस्ट का, तो ये हैंगिंग ब्रिज, तो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप लोग यहाँ पे आके आराम से फिल्मिंग वगैरह कर सकते हो, फोटो वगैरह खिंचा सकते हो। एंड यहाँ पे जो है LAC बोल के एक जगह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, तो हम लोग कल वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आप जरूर से आके आप वहाँ पे जा सकते हो परमिशन वगैरह लेके। तो बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे अभी पूरा गाँव। तो यहाँ पे देख सकते हैं उधर में पूरा सियांग रिवर है, इधर में भी सियांग, तो चारों तरफ में, तो उस पहाड़ी के उस पार में जो है चाइना है। तो अभी आप लोग को और अच्छे से नज़ारे दिखाता हूँ मैं। गाइस ये देखिए, दिस इज सियांग रिवर एंड दिस इज ऑल्सो सियांग रिवर गाइस, जहाँ पे सूरज डूब रहा है। बहुत ज्यादा लोग आने से इतना हिलता है गाइस, देखिए ना ब्रिज कुछ ज्यादा लोग आने से पूरा हिलता है, देखो पूरा जंपिंग जंपिंग हो रहा है। चलो हटो 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 हट जा, बाप रे बाबा। अभी हम आ चुके हैं ब्रिज के नीचे गाइस, एंड यहाँ से ब्रिज का नजारा देख के कितना खतरनाक लगता है, बाप रे। यहाँ से होके हम लोग आए और ऊपर में मैं इतना खतरों का खिलाड़ी हूँ कि दौड़ रहा था। ये देखो अब यहाँ पे आधी ड्रेस लगा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली मैंने तो ऑलरेडी लगा चुका है, तो यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह हम लोग जो है शूट करेंगे। बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, इतना दौरा दौरी किया ना इसलिए, और पूरा गंदा हो चुका है ये मेरा स्वेटर में, अभी धोने से 5 किलो गंदा निकलेगा। खूब देर तक यहाँ पे फोटोशूट किया, रील्स वगैरह बनाया, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। तो अभी हम जाएंगे, तो आज जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, हम लोग का जो रात है बहुत अच्छे से गुजरने वाला, बिकॉज आज हम लोग यहाँ का लोकल अपोंग यानी कि यहाँ का लोकल वाइन ट्राई करेंगे, पूरा रोस्टिंग पार्टी करेंगे आज, मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं, बहुत थक गए यार पूरा रील्स बनाने के चक्कर में। चलो आ जाओ, हाँ बेचारे पूरा डर रही है, अभी जाओ आगे आगे जाओ। हाँ हम जो तूतिंग का ट्रेडिशनल ड्रेस, हाँ पूरा तूतिंग का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के हाँ जाओ आराम से, ओके डरना नहीं है। उबा सुपरमैन परमेन इतना डर गया पूरी डर गया। तो गाइस यहाँ पे देखिए, वाओ ये तो क्या है, ये मिलेट। अच्छा मिलेट से हमारे लिए यहाँ पे बन रहा है गाइस, दिस इज लोकल वाइन ना, आप लोग क्या बोलते हैं इसे? हम लोग इसको तमी बोलते हैं, थामी ना, हाँ थामी। वाओ खुशबू आ रहा है गाइस, खुशबू आ रहा है। ये आंटी है एंड और दिस इज कुकुम्बर ना, इतना बड़ा है ना, हाँ सिंगा का ना। अच्छा लोकल एकदम पहाड़ी, तो आज हम लोग पूरा पियेंगे गाइस एंड एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। ता हूँ यहाँ पे पम्पम लोग जो है चिकन बनाने के लिए, पम्पम और दीदी पूरा यहाँ पे चिकन काट के रखा हुआ है, एंड मेरा वाला हिस्सा दिखाता हूँ गाइस, ये पम्पम पकाएगा तो उसके लिए तैयारी चल रहे है, एंड मेरा वाला भी आप लोग को दिखा देता हूँ, लेट्स गो गाइस। ये देखिए आज तो पूरा तूतिंग पे रोस्टिंग पार्टी होने वाला है गाइस, ये देखिए वाओ। अभी देखिए गाइस हो चुका है, वाह इतना जल्दी होता है क्या, वाह मजा गाइस देखिए। दिस इज लोकल, एक तरह से लोकल अपोंग गाइस, तूतिंग का लोकल अपोंग पियेंगे आज। जो चिकन रोस्टिंग किया था दोस्तों मैंने, उसका यहाँ पे एकदम सलाद बना दिया, एंड यहाँ पे जो है वेजिटेबल सलाद भी रेडी कर दिया, और यहाँ पे अभी हम लोकल अपोंग पियेंगे यहाँ आदि ट्राइब का टूटिंग में, तो अभी ट्राई करते हैं गाइस।
तमियापोंग तमियापोंग गाइस ये बिल्कुल जो मैंने टेस्ट किया था मुंबई में सुला वाइन्स में तो बिल्कुल वैसे ही मतलब टेस्ट है और अभी हम जो है ओमन सिस्टर के घर से भी आ चुके हैं दोस्तों। अभी दीदी के घर पे आज बहुत मजा आया ना। आज हम लोग आदि गाना पे डांस किया एंड असमीस हिंदी क्या क्या गाना पे डांस किया पता नहीं भूल गया। बहुत मजा आया। तो कल हम लोग जाएंगे LAC एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बॉर्डर पे। तो बहुत मजा आने वाला है। कल हम जाएंगे चार लोग कुरी में पॉम पॉम एंड ओमेन जाएंगे हम लोग ना। तो परमिशन वगैरह सब मिल चुका है ITBP से। तो बस गेजिंग है ना उस गांव का नाम तो गेलिंग तो गेलिंग का जो लास्ट ITBP कैंप जो है पूरा इंडिया का लास्ट ITBP कैंप। तो वहां पे जाके हम लोग परमिशन जो वो ग्रांट हो चुका है एक्चुअली बस पेपर देना है और वो लोग कुछ हमारे लिए जो है फौजी पर्सनल हमको देंगे एज ए सिक्योरिटी। तो हम लोग जाएंगे घूम के आ जाएंगे लेकिन फिल्मिंग वगैरह पता नहीं करने देंगे कि नहीं देंगे बस देख लेते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। मिलते हैं कल सीधा LAC यानी कि चाइना बॉर्डर पूरा चाइनीज वाला लोग को हम लोग उड़ा के आ जाएंगे कल टीशों। तो आज के लिए गुड नाइट बाय बाय लव यू।